हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज 4 मार्क्स का है। चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में से कहते हैं रासायनिक बल गति की, रासायनिक बल गति की। ठीक है, ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम तीन चीजों को स्टडी करते हैं, तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, ये अपन जो है इस तरह से डिसाइड करते हैं अभिक्रिया की दर के रूप में। अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी अभिक्रिया की रेट क्या है, किस स्पीड से हो रही है, उसकी दर क्या है। दूसरा, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें दूसरी जो स्टडी करते हैं वो अपन करते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, कौन से कारक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे, कौन से कारक अभिक्रिया की दर को घटाएंगे। और तीसरा, अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, अभिक्रिया की क्रियाविधि मतलब अभिक्रिया जो है वो किस तरीके से हो रही है, उसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन कहते हैं रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तीन चीजें पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, यानी कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या है। काफी बुक्स में ये अभिक्रिया का वेग भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो दोनों एक ही बात है। अभिक्रिया की दर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या होती है अभिक्रिया की दर, तो देखिए अभिक्रिया की दर को अपन इस तरह से लिखते हैं, आर इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/n d/dt ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सी, या d/dt ऑफ सी। अभिक्रिया की दर को इस रूप में लिखा जाता है। यहां पे डीसी का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन, और डीटी का मतलब है परिवर्तन में लगने वाला समय। अब आप इसको ऐसे परिभाषित करें, डिफाइन करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक या उत्पाद, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर कहलाती है। यहां पे जो प्लस का साइन है वो प्लस का साइन हम लेते हैं किसके लिए, उत्पाद के लिए, प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। ठीक है, लगातार क्रियाकारक उत्पाद बनाएगा तो उत्पाद टाइम के साथ बढ़ेगा। और माइनस साइन अपन लेते हैं रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि क्रियाकारक जो है उसकी सांद्रता समय के साथ क्या होती है, घटती है। समय के साथ क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है तो उसकी सांद्रता कम होती जाती है। ठीक है, और यहां जो एन है, एन, उस एन का मतलब है अभिक्रिया का रससमीकरण मिति, अभिक्रिया का रससमीकरण मिति गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशियंट ऑफ द रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशियंट का मतलब क्रियाकारक और उत्पाद किस रेशियो में आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, उनके रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, वो है यहां पर एन। मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लिया है, n1a + n2b गिव्स m1c + m2d। आपको बोल दे इसका रेट एक्सप्रेशन लिखिए, है ना, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखिए, इसको रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहां से आप रेट की यूनिट भी बना सकते हैं, देखिए दर की इकाई क्या होगी, तो इसी से बना लीजिए, डीसी, सी का मतलब है सांद्रता और टी का मतलब है समय, तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, ये तो हो गया सांद्रता की इकाई। अपॉन समय है तो टाइम इनवर्स, अब ये समय किसी में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, सेकेंड्स में भी हो सकता है ना, तो अपन ने लिख दिया टाइम इनवर्स, जिसमें हो उसको आप यूज कर लो। तो अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। चलिए, इस अभिक्रिया के लिए अपने को दर एक्सप्रेशन, दर व्यंजक लिखना है, तो रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो ए क्रिया कारक है, इसके लिए आ जाएगा साइन माइनस का, इसके रस समीकरण मिति गुणांक है n1, तो आ गया 1/n1 d/dt ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ।
यानी कि एक ही सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन, ये बराबर होगा बी भी क्रिया कारक है माइनस वन अपॉन एन टू, माइनस क्यों आया क्योंकि क्रिया कारक है, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अब है सी, सी उत्पाद है, उत्पाद है तो साइन आएगा, प्लस वन अपॉन एम वन डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सी, और टी, डी भी उत्पाद है तो डी के लिए आ जाएगा प्लस वन अपॉन एम टू डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ टी, डी की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। चलिए इसको अपन लैंग्वेज फॉर्म में कैसे बोलेंगे, मतलब इसको अगर अपने को जो है थियोरेटिकली बोलना हो तो अपन इसको क्या कहेंगे, ये क्या है ए के विलुप्त होने की दर, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसे क्या बोलेंगे बी के विलुप्त होने की दर, डिसअपीयरेंस ऑफ बी, क्योंकि ए और बी क्रिया कारक हैं जो विलुप्त होंगे। इसे क्या बोलेंगे प्रोडक्शन, उत्पादन की दर, सी के बनने की दर। इसे क्या बोलेंगे डी के बनने की दर, क्योंकि डी और सी दोनों प्रोडक्ट है, उत्पाद है, तो दोनों बनेंगे तो दोनों के बनने की दर आएगी। क्लियर, आप इनमें रिलेशन भी बना सकते हैं और वही रिलेशन पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रिलेशन मान लो आपको बी और डी की दर में बनाना है, तो अपन कह सकते हैं कि रेट ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ डी, है ना, बी की दर डी की दर के बराबर होगी। बी की दर कितनी है माइनस वन अपॉन एन टू डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी, बराबर डी की दर कितनी है प्लस वन अपॉन एम टू डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ डी। ये हो गया बी के विलुप्त होने की दर, ये हो गया डी के बनने की दर। तो आप इनमें रिलेशन बना सकते हैं कि बी के विलुप्त होने की दर क्या होगी, एन टू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एन टू अपॉन एम वन डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ डी, यानी कि बी के विलुप्त होने की दर डी के बनने की दर का एन टू अपॉन एम टू, एन टू अपॉन एम टू गुना होगा। मैं आपको इसका केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूं और भी क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए ये एक अभिक्रिया है अमोनिया के बनने की अभिक्रिया, एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री। अब आपको इसके लिए दर व्यंजक लिखना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो एन टू का आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक मोल है, तो आर इक्वल्स टू माइनस आएगा क्योंकि नाइट्रोजन क्रिया कारक है, डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू। ध्यान रखना इसको आगे नहीं लिखना है, काफी स्टूडेंट इसको आगे लिख देते हैं वन अपॉन टू या वन अपॉन टू तो वन अपॉन थ्री, इसको नहीं, जो आगे का नंबर होता है ना क्रिया कारक या उत्पाद के, वही उसका रस समीकरणमिति गुणांक है। ये बराबर होगा, हाइड्रोजन भी क्रिया कारक है, माइनस वन अपॉन थ्री डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया उत्पाद है, प्रोडक्ट है, तो अमोनिया के लिए हो जाएगा प्लस वन अपॉन टू डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनएच थ्री, अमोनिया के बनने की दर। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अगर इतनी है तो अमोनिया के बनने की दर कितनी होगी, या अमोनिया के बनने की दर इतनी है तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर कितनी होगी। कहने का मतलब है अपन यूं कह सकते हैं कि आर हाइड्रोजन बराबर आर एन एच थ्री, किन्हीं दो को आपस में आप बराबर कर सकते हैं, जिसका क्वेश्चन पूछा है उन दो को आप बराबर कर दीजिए, है ना। तो आर एच टू बराबर आर एन एच थ्री, आर एच टू है वन अपॉन थ्री डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू, ये बराबर होगा वन अपॉन टू डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एन एच थ्री। यहां से आप कह सकते हैं कि डी एच टू अपॉन डी टी, देखिए ध्यान से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इज इक्वल टू ये थ्री इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया थ्री बाई टू, थ्री बाई टू डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एन एच थ्री। कॉम्पिटिशन लेवल पे है ना, बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, ठीक है, सेकेंड ग्रेड लेवल पे, फर्स्ट ग्रेड लेवल पे। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अमोनिया के बनने की दर का डेढ़ गुना होगा, इट इज 1.5। तो हाइड्रोजन जिस दर से विलुप्त होगा अमोनिया उसके 1.5 गुना तेजी से बनेगी, ठीक है। इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बना के दे दिया, एक अभिक्रिया दे दी आपको, अभिक्रिया है ए प्लस टू बी goes to C plus 3D, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि यदि D के बनने की दर, ठीक है, आपको सवाल दे दिया इस तरह से कि यदि D के बनने की दर, D के बनने की दर मान लीजिए 6 into 10 to the power minus 4 moles per liter
पर सेकंड है, ठीक है। डी के बनने की दर ये है, तो बी के विलुप्त होने की दर क्या होगी? विलुप्त होने की दर ज्ञात करो, ठीक है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज 6 × 10⁻⁴, देन व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दी बी, बी के विलुप्त होने की दर क्या होगी, ठीक है। चलिए, तो अपने को रिलेशन दो चीजों में स्टेब्लिश करना है, दो चीजें जो यहां पे दे रखी है, एक तो डी का बनना और एक बी का विलुप्त होना। तो अपन कह सकते हैं कि आर बी इज इक्वल टू आर डी, आर बी आर डी बराबर होंगे, ठीक है। अब आर बी कितना है, यहां से बना लीजिए जो इसकी इक्वेशन है, 1/2 डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी, आगे साइन होगा माइनस का। ध्यान रखिए माइनस और प्लस के साइन मैथमेटिकल साइन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ये शो करते हैं कि ये क्रियाकारक है और डी जो है वो उत्पाद है। तो प्लस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो बी के बनने की दर 6 × 10⁻⁴ है, तो B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये ज्ञात करना है डी बी बाई डी टी, तो डी बी बाई डी टी बी के विलुप्त होने की दर बराबर किसके बराबर होगी? दो को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है। यहां पे डी की वैल्यू पुट कर लीजिए, डी बाई डी टी ऑफ डी, तो 2/3 इंटू ये आपको दे रखा है डी के बनने की दर 6 × 10⁻⁴। सॉल्व कर लिया इसको, ये हो गया 4, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 4 × 10⁻⁴, ठीक है। ये हो गई आपके बी के विलुप्त होने की दर, इकाई सेम रहेगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेट क्लियर। तो इस तरह से कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्स जो है, न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में खास तौर पे पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इस बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इसी टाइप से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो था रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या होती है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सेकंड पॉइंट हो गया अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं? तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, ठीक है। उनमें से सबसे पहला कारक है जो है क्रिया कारक की सांद्रता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड लेवल से, जहां से न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिया कारक की सांद्रता का प्रभाव। और ये इस पूरे चैप्टर का जो है सोल है, पूरे चैप्टर की जान है ये क्रियाकारक की सांद्रता दर नियम क्या होता है, यहीं से आपको आगे पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, क्रियाकारक की सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है अभिक्रिया की दर। तो देखिए ये है क्रियाकारक की सांद्रता, तो एक सिंपल सी बात होती है जो अपने को याद रखनी है कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर है वो सीधे समानुपाती होती है क्रिया कारकों की, क्रिया कारकों की सांद्रता के, ठीक है। कैसे समानुपाती होती है भाई, अपन जानते हैं। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट यानी कि क्रिया कारकों की मात्रा को बढ़ाएंगे, अगर क्रिया कारक को बढ़ाएंगे तो क्रियाकारी अणुओं में होने वाली टक्करों की संख्या, कोई भी अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, अभिक्रिया होती है क्रियाकारी अणुओं के टकराने से। अगर क्रियाकारक की मात्रा या क्रियाकारक की सांद्रता आप, कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो उसमें कोलिजंस का नंबर बढ़ेगा, टक्करों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा टक्करें होती है अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो अपन यूं कह सकते हैं क्रियाकारक की सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है, जैसे ही क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे टक्करों की संख्या बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। अब अभिक्रिया की जो दर है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है एक स्थिर ताप पर, आप यूं कह सकते हैं एट कॉन्स्टेंट, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती होती है क्रिया कारकों की सांद्रता की। इस चीज को अपन बोलते हैं दर नियम, रेट लॉ, दर नियम, ठीक है। दर नियम क्या कहता है, पूरा पढ़िए इसको, यहां से
रटना नहीं है, आप बनाइए इसको यहां से। कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक अभिक्रिया है N1A प्लस N2B गोज टू प्रोडक्ट, ए और बी मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, N1A N2B गोज टू प्रोडक्ट। इसके लिए आपको दर नियम लिखना है, रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू, ध्यान रखना इनटू किया है मैंने, बीच में प्लस नहीं लगाना है, काफी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे प्लस साइन यूज करते हैं, तो प्लस नहीं लगाना है। अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी ए की सांद्रता इनटू बी की सांद्रता के, और जो उनके रस समीकरणमिति गुणांक हैं आगे के नंबर, रस समीकरणमिति गुणांक उनकी घातों में चले जाएंगे, ए की घात N1 और बी की घात N2। ठीक है, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर N1 एंड बी टू द पावर N2। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा के, ये कांस्टेंट हो गया ए की पावर N1 एंड बी की पावर N2। इसे कहेंगे अपन दर नियम, रेट लॉ। ये इस अभिक्रिया का दर नियम है। यहां पर जो के है वो के एक गुणांक या अपन कह सकते हैं स्थिरांक है, जिसे अपन वेग स्थिरांक या दर नियतांक कहते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है जिसे अपन वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक या काफी बुक्स में दर नियतांक भी लिखा हुआ है, वेग नियतांक भी लिखा हुआ है, तो इसे वेग नियतांक या दर नियतांक कहते हैं। ठीक है, वेग स्थिरांक या दर नियतांक के। ये वेग नियतांक जो है ये केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये ताप पर निर्भर करता है, कैसे करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है के की वैल्यू। और इस के की इकाई पे कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसकी यूनिट के ऊपर, इसकी इकाई के ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो वो आप इजीली आराम से खुद बना सकते हैं। के की इकाई क्या होगी, तो ये एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, के की इकाई होती है मोल की घात 1 - n, लीटर की घात n - 1 एंड टाइम इनवर्स, मोल टू द पावर 1 - n, लीटर टू द पावर n - 1 टाइम इनवर्स, जहां n का मतलब है रस समीकरण मिति गुणांकों का योग, और आगे इसको बोलते हैं कोटि, अभिक्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, कोटि वर्ड याद नहीं रखें, अभी आप याद रखें कि ये घातों का योग है, जो भी क्रियाकारकों की घातें हैं उनका योग है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 जितने भी हों क्रियाकारक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको दे दिया ए प्लस 2b गोज टू प्रोडक्ट, ए और 2b मिलकर उत्पाद बनाते हैं, इसके लिए के की इकाई क्या होगी, तो इसका टोटल n कितना हुआ, टोटल n हो गया a के आगे 1 है b के आगे 2 है, तो टोटल n इक्वल टू 3, और ये 3 आप ऊपर रखेंगे तो इसके k की यूनिट बन जाएगी मोल टू द पावर 1 - 3 लीटर टू द पावर 3 - 1 टाइम इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट हो गई के की, दर नियतांक या वेग नियतांक, मोल की घात -2 लीटर की घात 2 और टाइम इनवर्स, क्लियर। तो आप इसको याद रखें, ये आपके पूरे चैप्टर में काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपटीशन एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, सेकंड ग्रेड लेवल पे, फर्स्ट ग्रेड लेवल पे इकाई पे सवाल पूछ लेते हैं कि के की इकाई क्या होगी कोई अभिक्रिया देके, तो के का मतलब क्या होता है, वेग नियतांक या दर नियतांक, और ये ताप पर निर्भर करता है, और इसकी इकाई को अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें आपने क्या देखा, सबसे पहला कारक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछते हैं, वो मैं आपको बताता हूं किस तरह का सवाल पूछते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया एक ए प्लस, वही मैं आपको सवाल दे रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन लेवल में पूछ चुके हैं, ए प्लस 2b गोज टू प्रोडक्ट, ए और 2b मिलकर उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद क्या बन रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको बोल दिया कि यदि, ठीक है, यदि ए तथा बी की सांद्रता को, ए तथा बी की सांद्रता को, कंसंट्रेशन को दुगुना कर दिया जाए,
कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दुगना दिया है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं कि ए को दुगना बी को आधा कर दिया, या ए को आधा बी को दुगना कर दिया, ए को दुगना बी को तिगुना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, कुछ भी दे सकते हैं। अभी मैंने कहा है कि ए और बी दोनों की सांद्रता को दुगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की नई दर, तो अभिक्रिया की नई दर ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की नई दर क्या होगी अगर ए और बी दोनों की सांद्रता को दुगना कर दे। मोस्ट फेमस क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनर माइंड ना, एग्जामिनर के माइंड में सबसे ज्यादा अगर केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो ये सवाल बनता है कि ए को दुगना बी को आधा कर दिया तो क्या होगा। करने का तरीका एकदम सिंपल है, ठीक है, इसको अपन कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वापस देखिए, समीकरण था आपका ए प्लस टू बी गोज टू प्रोडक्ट, क्लियर। तो सबसे पहले आप इसकी क्या करें, पुरानी दर लिखते हैं। पुरानी दर मतलब आर वन, आर वन बराबर के ए की घात एक ही होगी और बी की घात 2, क्योंकि बी के 2 मोल है। अब नई दर क्या होगी, जब ए को और बी को दुगना कर दिया तो आर टू बराबर के ए को कर दिया 2a और बी को कर दिया 2b और 2b का स्क्वायर। ध्यान रखना, दुगना करने का मतलब घात को दुगना नहीं करना है, ऐसे नहीं कि ए की पावर 2 कर दी और बी की पावर 4 कर दी, गलत हो जाएगा। सांद्रता दुगना करने का मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को डबल करना है, ए को डबल किया तो 2a, बी को डबल किया तो 2b। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल। दोनों को डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए टू ए कैंसिल आउट हो गया, के टू के कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड इनटू 1/4, 2 का स्क्वायर है 1/4, टोटल हो जाएगा आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू 1/8। सो आर टू इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ आर वन, यानी कि अभिक्रिया की जो नई दर है वो उसकी पुरानी दर की 8 गुना हो जाएगी। अभिक्रिया की नई दर उसकी पुरानी दर की 8 गुना हो जाएगी। तो इस टाइप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक सवाल देता हूं जो आप सेल्फ करना अपने नोट्स के अंदर। क्वेश्चन है, ए प्लस टू बी गोज टू प्रोडक्ट, ए और टू बी मिलकर उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। ए की सांद्रता को कर दिया दुगना और बी को कर दिया आधा, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन को क्या किया, दुगना, बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, आधा, ठीक है। ए को दुगना कर दिया जाए, बी को आधा कर दिया जाए। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज दी न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की नई दर क्या होगी अगर ए को दुगना और बी को आधा कर दिया जाए। तो ये आप सेल्फ एक बार खुद ट्राई करना कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे दूसरे कारक और अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अनुसंकेता क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।